हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज चौधरी। इससे पहले वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूँ कि OSPF प्रोटोकॉल क्या होता है, ये कैसे काम करता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर पर आपको प्रैक्टिकली OSPF कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा और अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए जिससे कि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ सके। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर पर बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो चलते हैं, आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हम OSPF प्रोटोकॉल को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिवाइस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी डिवाइस हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, मैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे दो राउटर लिए, मैंने यहाँ पे इनको सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे दो स्विच ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे दो स्विच लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे दो PC को कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे दो PC सबसे पहले सिलेक्ट किए, फिर मैं इनको ऑटोमेटिक वायर केबल के थ्रू कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे कनेक्ट किए। अब जो मैं यहाँ पे आपको OSPF प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करके बताऊँगा, वो इन डिवाइस के बीच में करके बताऊँगा। यानी कि जो हमारे ये दो राउटर है, राउटर 0 एंड राउटर 1, इन दोनों के बीच में मैं आपको यहाँ पे OSPF प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करके बताऊँगा। देखिए, जब आप इसमें देखोगे कि इसके अंदर कौन कौन से पोर्ट है, तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िग में आ जाओगे तो आपको यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/0 और 0/1 का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी सीरियल पोर्ट नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे राउटर को राउटर से कनेक्ट करने के लिए सीरियल केबल के थ्रू हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो हमें यहाँ पे सीरियल पोर्ट चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे एक्सटर्नल सीरियल पोर्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे फिजिकल में आएंगे, WIC IT में आएंगे और इसको यहाँ पे ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद हम यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं, फिर से इसको ऑन करना होगा। ये बात आपको भूलनी नहीं है, हमें यहाँ पे सबसे पहले ऑफ़ करना है फिर ऑन करना है। हम यहाँ पे WIC IT पे आए इस राउटर पे भी, क्योंकि इस साइड भी हमें यहाँ पे करना है। देखिए, इसने बता दिया कांट ऐड ए मॉड्यूल वैन दी पावर इज ऑन, यानी कि हमारा यहाँ पे पावर क्या है, ऑन है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऑफ़ करना होगा। मैंने यहाँ पे ऑफ़ किया, उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसको कनेक्ट किया, फिर से ऑन कर दिया मैंने राउटर को। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सीरियल पोर्ट आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे केबल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सीरियल पोर्ट आ चुका है, 0/0/0 का ऑप्शन आ चुका है। इसके बाद मैं इधर की साइड इसको कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो भी मैं आपको यहाँ पे IP एड्रेस देने वाला हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे ये IP एड्रेस इसको असाइन करूँगा और राउटर के इस पोर्ट में यहाँ पे 0.1 यहाँ पे IP एड्रेस दूंगा, यहाँ पे 192.168.1.1, यहाँ पे 192.168.1.2 और इधर की साइड 192.168.2.1 और यहाँ पे 192.168.2.2 हमारा यहाँ पे IP एड्रेस हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे एक बात नोट की होगी, जो इधर की साइड का जो मैंने यहाँ पे IP एड्रेस को असाइन किया है, उनकी यहाँ पे जो नेटवर्क ID है वो है 192.168.0.0 और इधर की साइड नेटवर्क ID हो जाएगी 192.168.1.0 और इधर की साइड की नेटवर्क ID हो जाएगी 192.168.2.0 हो जाएगी। यानी कि हमारी जो नेटवर्क ID रहेगी वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगी और जो राउटर का जो वर्क होता है वो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराता है, तो ये राउटर का वर्क होता है। अब हमने यहाँ पे दो राउटर लिए हैं, इन दो राउटर के थ्रू हम यहाँ पे OSPF को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, उनकी हेल्प से यहाँ पे राउटिंग कराएंगे। जो हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल होता है उनमें से हमारा एक OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल होता है जो कि यहाँ पे राउटिंग कराता है। अब हम यहाँ पे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे डेस्कटॉप में चले जाते हैं। जो मैंने यहाँ पे IP एड्रेस को लिखा हुआ है हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं। मैंने यहाँ पे IP एड्रेस को असाइन किया, जो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा वो हो जाएगा 192.168.0.1। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है अगर आपको नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। डिफ़ॉल्ट गेटवे वो यहाँ पे IP एड्रेस होता है, जो हमारा राउटर का जो IP एड्रेस होता है वही हमारे PC का डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है। मैंने यहाँ पे भी इसको असाइन किया IP एड्रेस। डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 192.168.2.1 हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे राउटर के पास जाता हूँ। राउटर पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस पोर्ट पे हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। हम
यहाँ पे CLI मोड में चले गए। मैं इसको कमांड के थ्रू यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ। इनेबल मोड, इनेबल की शॉर्ट फॉर्म होती है EN, फिर कॉन्फ़िग T। हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर मोड में पहुँच चुके हैं। अब मैं यहाँ पे इन डालता हूँ FA0/0, जो हमारा यहाँ पे इंटरफेस है। इंट मतलब इंटरफेस, FA0/, ये इसका पोर्ट का जो नेम है वो हो गया, यानी कि हम इस पोर्ट पे पहुँच जाएंगे। अब हम यहाँ पे IP एड्रेस को दे सकते हैं, इस पोर्ट पे जो भी IP एड्रेस हम देना चाहते हैं, 192.168.0.1, इस पर मैं IP एड्रेस दे रहा हूँ इसका। फिर हमें सबनेट मास्क लिखना होगा, मैंने यहाँ पे सबनेट मास्क दे दिया इसका। फिर मैंने यहाँ पे एंटर किया। फिर NoSet, NoSet क्या होता है, ये डाउन से हमारा अप चला जाता है, यानी कि वर्किंग कंडीशन में आ जाता है ये पोर्ट। देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे ग्रीन हो गया, पहले क्या था रेड था, अब यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। उसके बाद मैं इंट में जाता हूँ, S0/0/0 में जाता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे IP एड्रेस असाइन कर सकता हूँ। IP एड्रेस 192.168.1.1। उसके बाद मैं यहाँ पे सबनेट मास्क दे सकता हूँ, मैंने यहाँ पे सबनेट मास्क दिया। उसके बाद हम यहाँ पे NoSet, यानी कि इसका जो ये पोर्ट है वो अप हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे IP एड्रेस असाइन हो चुका है। उसके बाद में मैं यहाँ पे OSPF को कॉन्फ़िगर करता हूँ। उसके लिए कमांड होती है राउटर OSPF। अब हम यहाँ पे OSPF को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे दो चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रोसेस ID क्या होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोसेस ID, और उसके बाद आपको यहाँ पे पता होना चाहिए एरिया क्या होता है। जब हम OSPF की बात करते हैं तो एरिया और प्रोसेस ID क्या होती है। देखिए प्रोसेस ID को समझने से पहले आपको समझना होगा कि जो हमारे राउटर होते हैं उनके अंदर भी एक OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा होता है, जिसका नाम होता है IOS यानी कि इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आपके मोबाइल में होता है एंड्रॉयड होता है, और जो आपका आईफोन होता है उसमें भी IOS होता है, लेकिन वो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आप ये मत समझ लेना कि जो राउटर में होता है वो आईफोन वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसका मतलब होता है इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मल्टीपल OSPF प्रोटोकॉल को एक ही टाइम पे रन करा सकता है, यानी कि एक ही राउटर के अंदर ये मल्टीपल OSPF को रन करा सकता है। तो हमें यहाँ पे उस OSPF की यहाँ पे क्या देना पड़ता है, फिर प्रोसेस ID देनी पड़ती है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, क्योंकि एक ही टाइम पे एक ही राउटर में मल्टीपल OSPF वर्क कर सकते हैं, रन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोसेस ID देते हैं। ये प्रोसेस ID हम सेम भी दे सकते हैं और डिफरेंट भी। सपोज कीजिए हमारे पास ये राउटर है, हमने यहाँ पे प्रोसेस ID दी 50, तो आप इस राउटर पे भी प्रोसेस ID 50 दे सकते हो या डिफरेंट भी दे सकते हो। और प्रोसेस ID की जो यहाँ पे रेंज होती है वो होती है 1 से लेकर 65535 तक, 1 से लेकर 65535 तक आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि एरिया क्या होता है। देखिए मैं यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है आपके लिए एक इमेज, मैं यहाँ पे डाउनलोड में ले गया आपको। देखिए यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे है Area 0। हमें जब हम OSPF कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें एरिया देना होता है, यानी कि ये जो Area 0 है ये ऐसा एरिया होता है जिसको हम बैकबोन एरिया भी बोलते हैं। यानी कि अगर हम इसको नेटवर्क में से डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा जो मैसेज है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। सपोज कीजिए ये राउटर है, इस राउटर से आपको इस राउटर पे मैसेज सेंड करना है इधर की साइड। तो हमने यहाँ से बीच में से ये जो तीन राउटर है जो Area 0 में आ रहे हैं उसको अगर डिस्कनेक्ट कर दिया तो आप इधर की साइड मैसेज को सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा ये राउटर है ये भी Area 0 में है, ये भी Area 0 में है, और ये भी Area 0 में है। तो हम यहाँ पे एरिया को डिफाइन कर देते हैं। Area 0 एक ऐसा एरिया होता है जो कि हमारा बैकबोन एरिया होता है, यानी कि जितने भी मैसेज हमारे ट्रांसफ़र होएंगे वो इन्हीं के थ्रू होएंगे, इन्हीं से होते हुए जाएंगे। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि एरिया क्या होता है। और जो अदर राउटर होते हैं Area 0 से अलग, हम उनको भी नेम दे देते हैं, Area 1, Area 2, Area 3, Area 4, आप अपने अकॉर्डिंग इनको नाम दे सकते हो। लेकिन Area 0 वो एरिया होता है जो एक बैकबोन एरिया होता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। मैं फिर से यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर पे जाता हूँ।
मैं यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर पे चला गया हूँ। तो हमारी जो ये नेटवर्क है, हम यहाँ पे इसको एरिया जीरो कंसीडर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब मैं फिर से यहाँ पे राउटर में जाता हूँ, हम कंटिन्यू रखते हैं। तो ओ एस पी एफ को जब हम कॉन्फिगर करते हैं तो उसके लिए कमांड होती है राउटर ओ एस पी एफ, और उसके बाद हम प्रोसेस आईडी देते हैं। मैं इसको यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ। प्रोसेस आईडी हम यहाँ पे 50 दे देते हैं, क्योंकि हम 1 से लेकर 65535 तक कुछ भी यहाँ पे रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे राउटर कमांड का यूज़ किया और ओ एस पी एफ 50 मैंने यहाँ पे प्रोसेस आईडी दे दी। अब यहाँ पे कमांड है नेटवर्क, नेटवर्क के बाद हम यहाँ पे 192.168.0.1, वो सॉरी 0.2, यानी कि जो भी नेटवर्क आईडी इस राउटर पे यहाँ पे वर्क कर रही है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा ये राउटर है इसके ऊपर कौन सी नेटवर्क आईडी यहाँ पे वर्क कर रही है, इधर की साइड कौन सी नेटवर्क आईडी कनेक्ट है 192.168.0.1। 0.1 हमारा क्या है, यहाँ पे एक आईपी एड्रेस है, लेकिन हमें यहाँ पे 0.0 हम देंगे तो क्या हो जाएगी, नेटवर्क आईडी हो जाएगी। ये जो 192 है ये कौन सी क्लास में आता है, ये क्लास सी में आता है। क्लास सी में जो हमारे स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे नेटवर्क आईडी होते हैं। तो नेटवर्क आईडी हमारी यहाँ पे 192.168.1.0 है, लेकिन जो हमारा 4th ऑक्टेट होता है उसको हम 0 कंसीडर करते हैं तो हमारी नेटवर्क आईडी बन जाती है। तो हमारी नेटवर्क आईडी क्या हो जाएगी, 192.168.0.0 हो जाएगी। और इधर की साइड को क्या हो जाएगी, नेटवर्क आईडी 192.168.1.0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नेटवर्क आईडी लिखी, उसके बाद मैं यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क को लिखता हूँ। सबनेट मास्क को नहीं लिखता हूँ, वाइल्ड कार्ड मास्क को लिखता हूँ। सबनेट मास्क का अपोजिट होता है वाइल्ड कार्ड मास्क। तो मैं यहाँ पे 0.0.0.225 लिख देता हूँ। हमारा सबनेट मास्क क्या होता है, इसका 255.255.255.0 होता है, लेकिन वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.0.0.255 लिखेंगे। जब हम ओ एस पी एफ को कॉन्फिगर करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेटवर्क आईडी को लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे एरिया दे देते हैं। एरिया क्या देते हैं, हम यहाँ पे 0 दे देते हैं। फिर हम यहाँ पे नेटवर्क कमांड का यहाँ पे यूज़ करते हैं, 192.168.1.0, फिर यहाँ पे 0.0.0.255, एरिया 0 हो गया। ये नेटवर्क आईडी भी हमारी इसी राउटर पे वर्क कर रही है। तो हमारा यहाँ पे ओ एस पी एफ कॉन्फिगर हो चुका है इस राउटर पे। अब हम अपने सेकंड राउटर पे जाते हैं। मैं यहाँ पे सेकंड राउटर पे जा चुका हूँ, मैं सी एल आई में जाता हूँ। सी एल आई में जाने के बाद मैं यहाँ पे नो देता हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम एक चीज़ और चेक कर लेते हैं इस साइड की, हमने जो पोर्ट है हमारे वे अप हो चुके हैं या नहीं, ठीक है। तो मैंने अप कर दिया, देखिए मैंने यहाँ पे अप किए हुए हैं, ठीक है। यानी कि हमने सही किया है अब तक, जो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन चल रही है वो सही है। तो मैं यहाँ पे इनेबल में जाता हूँ, वो कॉन्फ़िग टी में जाता हूँ। कॉन्फ़िग टी में जाने के बाद इंटरफेस में जाता हूँ, FA0/0 आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे लिखना होगा आईपी एड्रेस 192.168.2.1, फिर यहाँ पे सबनेट मास्क 255.255.255.0, फिर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे इंट में S0/0/0 में जाता हूँ। उसके बाद क्या काम करता हूँ, आईपी एड्रेस 192.168.1.2.255.255.255.0 मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे डालता हूँ नो सट, यानी कि जो हमारा ये पोर्ट है वो सट हो जाएगा। देखिए इस नो सट, शट डाउन की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है सट।
तो हमारा ये अप हो चुका है। देखिए इससे जो पहले वाला जो पोर्ट था हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी उसको मैंने क्या किया था, नो सेट नहीं किया था उसका, ठीक है। तो मैं फिर से उसमें जाता हूँ, इंट एफ ए 0/0 में जाता हूँ और नो सेट कमांड को टाइप करता हूँ। तो हमारा जो ये पोर्ट नंबर है ये हमारा अप हो चुका है। अब हम इस पर क्या करते हैं, ओ एस पी एफ को कॉन्फ़िगर करता है, उसकी कमांड है राउटर ओ एस पी एफ, और यहाँ पे जो प्रोसेस आईडी है वो मैं यहाँ पे 50 दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रोसेस आईडी 50 दे दी। उसके बाद में नेटवर्क 192.168.1.0, उसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क 255, उसके बाद मैं यहाँ पे एरिया दे देता हूँ। एरिया क्या है यहाँ पे 0। फिर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, नेटवर्क, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ नेटवर्क 192.168.0.0। उसके बाद मैं यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क दे देता हूँ। उसके बाद मैं एरिया दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे एरिया दिया। तो हमारा यहाँ पे ओ एस पी एफ कॉन्फिगर हो चुका है। अब मैं यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ, मैंने एग्ज़िट किया। अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं सो आई पी राउट, यानी कि हमारा जो एस पी एफ है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे कमांड दी सो, सो की शॉर्ट फॉर्म होती है एस एच आई पी, रूट या राउट भी आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ओ लिखा रहा है। ओ का मतलब होता है ओ एस पी एफ। अगर आर लिखा हुआ आता तो आर का मतलब होता है रिप प्रोटोकॉल यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया गया है, लेकिन यहाँ पे ओ लिखा रहा है। आप यहाँ पे ऊपर की साइड देख सकते हो, जो ओ एस पी एफ है उसको यहाँ पे डिनोट किया गया है ओ से। तो हमारा यहाँ पे ओ एस पी एफ प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया है। अब मैं इस राउटर पे जाके दिखाता हूँ, इस राउटर पे भी हम चेक कर सकते हैं। सी एल आई मोड में जाता हूँ और यहाँ पे सेम कमांड के थ्रू हम चेक कर सकते हैं सो आई पी राउट, मैंने यहाँ पे एंटर किया। सॉरी फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहाँ पे एग्जिट करना होगा, यानी कि हमें बाहर जाना होगा इससे। ये कॉन्फ़िगर मोड में है हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे बाहर आ चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सो आई पी रूट। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ओ मतलब ओ एस पी एफ प्रोटोकॉल यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो हमारे पास एक और कमांड होती है सो आई पी रूट ओ एस पी एफ, हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो हमें सिर्फ ओ एस पी एफ यहाँ पे नज़र आएगा, यानी कि ओ यहाँ पे क्या है, ओ एस पी एफ कॉन्फ़िगर हो चुका है। आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हो। अब हम यहाँ पे कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ये नेटवर्क है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इस मैसेज को सेलेक्ट करते हैं और इधर की साइड सेंड करते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं रियल टाइम में। तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, ये फेल्ड हो जाता है। मैं फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो हमारा ये सक्सेसफुल आपको दिख जाएगा। देखिए सक्सेसफुल यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ पे दूसरे टाइप से भी इसको चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे कमांड में जा सकते हो और पिंग करा सकते हो। पिंग मैंने यूज़ किया 192.168.2.1। ये किसका आईपी एड्रेस है, जो हमारा अदर यहाँ पे पीसी है उसका, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा पीसी है ये इसका आईपी एड्रेस है। मैं इसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो ये यहाँ पे पिंगिंग होने लग रहा है, यानी कि जो हमारा ये नेटवर्क है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हम ओ एस पी एफ प्रोटोकॉल को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।